हेलो दोस्तों, आप इंडिका है स्टार्टर नहीं बैठ रहा। लाइट सब आ रही है, पर स्टार्टर नहीं बैठ रहा। स्टार्टर का वायरिंग करंट भी चेक करेंगे हम। यहाँ पे मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूहा है, वायरिंग कट किया ऊपर साइड में, देखिए एक्सीलेटर पैडल है यहाँ पे, यहाँ पे ऊपर साइड में डैशबोर्ड में वायरिंग कट है। देखते हैं स्टार्टर क्यों नहीं बैठ रहा है इसका। देखिए ये स्टार्टर का सॉकेट आता है, एक कनेक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉकेट दिया रहता, यहाँ पे चेक करेंगे इसमें कुछ फॉल्ट तो नहीं है। देखते हैं इसमें करंट आ रहा है कि स्टार्टर मारने पर। फ्रेंड्स यहाँ पे लाइट है, चेक लाइट जिससे हम करंट चेक कर सकते, स्टार्टर मारने पर करंट आ रहा है क्या नहीं। ये देखिए एक वायर लगा हुआ, बना सकते हैं ऐसा आपको अगर चाहिए। अभी इसको लगा देंगे यहाँ पे कहीं बॉडी में, अर्थिंग में, दरवाजे के अर्थिंग में लगा देंगे वायर। लगा दिया है, पहले चेक करते हैं इसमें स्विच ऑन करके फ्यूज में करंट तो आ रहा है और आपका अर्थिंग चालू है कि नहीं, कि मतलब अभी अर्थिंग सप्लाई नहीं हो रहा है, बल्ब नहीं चल रहा है। फिर ब्रेक लाइट में लगा के देखते हैं। चलिए यहाँ पे लाइट आ रहा है, ब्रेक सॉकेट में देखे तो अर्थिंग यहाँ से तो हो रहा है, इसका मतलब चेक लाइट हमारा चालू है। अभी यहाँ पे देखते स्टार्टर का सॉकेट में लगा के, ये देखिए दोस्तों स्टार्टर मार रहा हूँ मैं, यहाँ पे मारने पर यहाँ पे आ रहा है, छोड़ दिया तो जा रहा है, मारा तो आ रहा है, मतलब यहाँ तक तो करंट सही आ रहा है। जब स्टार्टर मारेंगे तो यहाँ पे करंट आएगा क्योंकि स्टार्टर का सॉकेट है, यहाँ पे सही है तो इसका मतलब है फ्यूज़ सही है। तो आगे देखते, ये इंडिका है फ्रेंड्स, टाटा इंडिका। अभी बैटरी तो इसकी नहीं है, बैटरी का कुछ इश्यू नहीं, बैटरी चेंज कर दिए कस्टमर ने, फिर भी स्टार्टर नहीं लग रहा। इसको भी चेक लाइट से अपन यहाँ पे अर्थिंग देंगे, देखिए बल्ब जल रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक सॉकेट आता है 4 पिन का, ये देखिए सफ़ेद और ब्लैक, ब्लैक में एक सफ़ेद लाइन रहती है, ये स्टार्टर का वायर है, ये 4 पिन का सॉकेट है, मेन सॉकेट है। जब स्टार्टर मारेंगे तो यहाँ पे करंट आएगा, आपको दिखाता हूँ। मोबाइल पकड़ना पड़ेगा, नहीं, हेलो, स्टार्टर मारेंगे देखिए इसमें करंट आएगा। हाँ मार काका, ओके छोड़ मार, ओके रुका काका छोड़। यहाँ पे भी सही है, मतलब यह तक भी आ रहा है। अब इसके आगे देखते, देखिए फ्रेंड्स स्टार्टर का और एक सॉकेट है यहाँ पे, डब्बी कहते हैं इसे, ब्लैक डब्बी। यहाँ पे भी एक 8 का वायर है, 8 नंबर का पिन का, जो कि चाबी से आता है और ये बैटरी से मेन आता है, ये दोनों में करंट चाहिए। अगर दोनों में करंट सही है तो आपका स्टार्टर फेल होगा, स्टार्टर देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखते इसमें, यहाँ पर काका मार स्टार्टर, देखिए ओके यहाँ पे तो करंट आ रहा है, मार
छोड़। अभी करंट तो सही आ रहा है, अभी देखते ये इसमें करंट तो सही आ रहा है, अभी इसमें देखते हैं, इसमें डायरेक्ट आएगा। स्विच कर ऑन करने की ज़रूरत नहीं, स्टार्टअप आने की ज़रूरत नहीं। इसमें हम अगर प्रेस कर देंगे, देखिए इसमें भी करंट सही आ रहा है। दोस्तों ये डब्बे भी चेक करेंगे, अपने यहाँ तक तो चेक किया है, ये दोनों में आ रहा है। अंदर ये दोनों को नट और एक एक्स्ट्रा वायर कनेक्टेड रहते, ये डब्बे खोल के देखेंगे इसके अंदर कुछ फॉल्ट है क्या, सिर्फ देखना है क्योंकि करंट तो यहाँ तक तो आ रहा है। ये देखिए दोनों स्क्रू खोल देंगे तो डब्बा बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये एक बोल्ट, ये वायर टूटा है कि इतना देखने का, ये वाला ये तो सही है। मैं दिखाता हूँ आपको टूट से, देखिए दोनों वायर आर पर हो गए, ये वायर अंदर गया स्टार्टर पे, आप देख सकते। देखिए यहाँ तक तो आपने चेक किया, यहाँ पे चेक करेंगे अभी। मार बाबू, छोड़ मार, छोड़ मार मार, देखिए करंट तो आ रहा है। हाँ बस छोड़, ये देखिए इसमें तो डायरेक्ट आ रहा है, इसमें डायरेक्ट आना चाहिए और इसमें स्टार्टर मारने पर, तो ये भी सही है। अभी इसका प्रॉब्लम है स्टार्टर, तो उसका स्टार्टर खोल देंगे, स्टार्टर सर्विसिंग हो जाएगा तो ओके हो जाएगा। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं या तीन चार जगह पे, इसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।